शिवांगी तिवारी आप सभी जनन के बीच में बुंदेली चैनल ट्रिपल के माध्यम से एक बार फिर से जुड़े। भोपाल से बड़ी खबर, उपचुनाव की तैयारी, मंत्री सांसद का भाजपा ने दही 28 सीजन की जवाबदारी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह के संगे 19 मंत्री। भाजपा ने उपचुनाव की 28 सीजन की जिम्मेदारी, 19 मंत्री, 25 लोकसभा और 2 राज्यसभा सांसद के साथ 90 विधायकों का अलग अलग टीम में बना के सीटें सौंप दी। जे टीम में पूरे चुनाव को संचालन कर रहे हैं और टीम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल के संगे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व लोकसभा में मुख्य सचेतक राकेश सिंह व वरिष्ठ सांसद नंद कुमार सिंह चौहान शामिल है। बताया जा रहा है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के निर्देश में जब टीम बनी। भोपाल से एक और बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करो कोरोना योद्धाओं को सम्मान। शिवराज सिंह चौहान बोले, 18-18 घंटे पीपीई किट पहन के लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर का प्रणाम कर। भोपाल के मिंटू हॉल में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि प्रदेश कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों का नमन कर रहे हैं। चार जिलों के कोरोना योद्धाओं से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करो संवाद, बोले जैसी सेवा डॉक्टरों ने कोरोना काल में करी है वैसी कोई ने नहीं करी। समारोह में प्रतीकात्मक रूप से सम्मानित होने वाले कोरोना योद्धाओं में भोपाल के चिकित्सक डॉक्टर लोकेंद्र दुबे, डॉक्टर उमेश शुक्ला, बर्ड बॉय मोहम्मद बासीम, सफाई कर्मी शिवकली, सागर के सहायक प्राध्यापक मेडिसिन डॉक्टर मनीष जैन, इंदौर नर्सिंग स्टाफ की जय श्री कुलकर्णी, ग्वालियर के लैब टेक्नीशियन दीपक बाथम से संवाद करो। मुंबई से एक और बड़ी खबर, वोडाफोन के शेयरों में भारी गिरावट की आशंका। वोडाफोन आइडिया का शेयर 3 रुपये तक जा सकत है। निवेश में कमी और घटती ग्राहकों की संख्या एक कारण है। वोडाफोन आइडिया के पोस्ट पैड ग्राहकों की संख्या 10% इस अवधि में गिरी है। ब्रोकरेज हाउस ने कही है कि हम आगे एक चरण में गिरावट देख रहे हैं। वोडाफोन आइडिया को शेयर एक बार फिर से अपने साल के निचले स्तर पर जा सका, इस बार जो 3.30 रुपये तक जा सका। सोमवार का जो शेयर 10.39 रुपये की गिरावट के संगे बंद भाव। गोल्डमैन शेयर्स को अनुमान है कि इसमें अब गिरावट आ है। बॉलीवुड से बड़ी खबर, रिया की जमानत पर सुनवाई हुई है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई है सुनवाई। लोअर कोर्ट से 2 बार जमानत खारिज हो गई। रिया और उनके भाई शोभिक का एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार करो तो रिया 9 सितंबर से जेल में है। एनसीबी दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और साला अली खान के बयान भी अदालत के सामने रखे जा सका। सीबीआई ने बयान जारी कर कही है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामला में अभी कोई रिजल्ट पे नहीं पहुंचा जा सका। ड्रग्स मामला में गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पे आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने है। बॉलीवुड की, मनोरंजन की और राजनीति की और व्यवसाय की ऐसे कछु खास फटाफट खबरें सुनने के लाने बुंदेलखंड ट्रिपल के माध्यम से हम शिवांगी तिवारी के साथ लगातार जुड़े रहे। जय राम जी की।